नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89.1 तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही सरलाह जिला के गोड़ेते में रहल धड़कन एफएम 91.8 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.dhadkanfm.com हमर पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। बारा के विश्रामपुर गाँवपालिका आज अपन 15वां गाँव सभा मार्फत आर्थिक वर्ष 2081-82 के बजट प्रस्तुत कैले बाटे। विश्रामपुर गाँवपालिका के उपाध्यक्ष प्रियंका देवी 19,55,64,999 रुपया के बजट प्रस्तुत कैले बानी। वहाँ के कृषि तथा पशु सेवा तरफ 50.56%, शिक्षा के तरफ 8.25%, स्वास्थ्य तरफ 50 लाख, ऐसे ही संस्कृति तरफ 29 लाख, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तरफ 29 लाख बजट विनियोजन कैल बतैल बानी। ऐसे ही उद्यम विकास तरफ 20 लाख, बहुक्षेत्रीय पोषण तरफ 30 लाख, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तरफ 2 करोड़, सुशासन संस्थागत विकास प्रशासनिक तथा कार्यालय संचालन तरफ 8,33,99,999 रुपया, विभिन्न आयोजना के खातिर मैचिंग फंड तरफ 1 करोड़ विनियोजन कैले बानी। खाए वाला पानी तरफ 1,27,00,000, पूर्वाधार तरफ 2,24,50,000, आ पूर्वाधार तथा अन्य कार्यक्रम तरफ 2,83,75,000 विनियोजन कैल जनैले बानी। प्रस्तुत बजट के व्यवस्थापन संघीय तथा प्रदेश सरकार के वित्तीय समीकरण अनुदान से 10,34,00,000 सशर्त, संघीय चालू तरफ 10,08,67,000, पूंजीगत तरफ 1,55,00,000, संघीय विशेष अनुदान रु 80,00,000, संघीय तथा प्रदेश सरकार के राजस्व बाँटफाड़ 7,54,99,999 रुपया, स्थानीय राजस्व बाँटफाड़ तरफ 96,65,000, आंतरिक स्रोत तरफ 70,00,000 करके जमा 31,99,31,999 रुपया आय होके वाला करके गाँव कार्यपालिका के अनुमान रहल बाटे। ऐसे ही परसौनी गाँवपालिका के आर्थिक वर्ष 2081-82 के वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजट प्रस्तुत करत 15वां गाँव सभा सम्पन्न भइल बाटे। परसौनी गाँवपालिका के नवनिर्मित भवन के सभा हॉल में गाँव सभा में सम्पन्न कराए वाला सभे गाँव सभा सदस्य सब एकजुट होकर लागल आय ऐसे अगाड़ी देखल गेल। दल पर जनप्रतिनिधि बीच के रहल मत भिन्नता समाप्त भइल। गाँवपालिका अध्यक्ष विनोद प्रसाद जायसवाल बतैले बानी। अध्यक्ष जायसवाल पालिका के गरीब विपन्न समुदाय के खातिर सामूहिक विवाह आयोजना सार्वजनिक कैले बानी। आर्थिक वर्ष 2081-82 के खातिर गाँवपालिका से 47,05,00,000 के बजट प्रस्तुत कैल गेल बाटे। गाँवपालिका के सभा हॉल में आयोजित 15वां गाँव सभा में उपाध्यक्ष किरण देवी शाह, वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष लाल बाबू मुखिया, 2 के अध्यक्ष हृदय कुमार शाह, 3 के अध्यक्ष छोटेलाल शाह, 4 के अध्यक्ष याकूब अंसारी, 5 के अध्यक्ष संतोष शाह, 6 के अध्यक्ष ब्रजकिशोर कुशवाहा, 7 के अध्यक्ष इस्लाम मियां मंसूर, लेखाधिकृत प्रेम बहादुर प्रसाद, सुनैना देवी करवारीन, लालमुनि देवी, चिंता देवी, शिवजी प्रसाद कलवार, राजा राम प्रसाद माला सहनी सहित वार्ड सदस्य, गांव सभा सदस्य सब, संचारकर्मी कर्मचारी सबके उपस्थिति रहल रहे। खाने पानी मांगत जनकपुर धाम में प्रदर्शन भइल बाटे। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सब सरकार पानी दे चूरे दोहन बंद कर, नदी के अवैध उत्खनन बंद कर लगात के नारा लिखल गए घैला प्ले कार्ड सहित जनकपुर में आज प्रदर्शन भइल बाटे। जनक चौक से प्रदर्शन करत उ लोग मुख्यमंत्री कार्यालय अगाड़ी तक पुगल रहनी। उ लोग 12 बूंदे मांग सहित मध्यस्थ के मुख्यमंत्री सतीश सिंह के ज्ञापन पत्र समेत बुझेल बानी। दिलीप महतो के प्रथम पर्यावरण सहित घोषणा चूरे के अवैध दोहन बंद, संघीय सरकार द्वारा लगावल गई ढूंगा गिटी या बालुआ में विदेशी निकासी करे के विधेयक तत्काल खारिज करे के, मध्यस्थ के सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा करके आगी नियंत्रण तथा खुला चरी चरण बंद करे के लगायत के 12 बूंदे चूरे संरक्षण अभियान नेपाल के मांग रहल बटे। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान नेपाल संयोजक सुनील यादव मुख्यमंत्री सिंह के ज्ञापन पत्र बुझेले बनी। ज्ञापन पत्र बुझावत मुख्यमंत्री सिंह मध्य सरकार के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत पड़े वाला मांग सब पूरा करके प्रयास करके आश्वासन देने। ज्ञापन पत्र बुझावत चूरे बचाओ अभियंता सब सप्ताह के भरदह से लेके पदयात्रा करके काठमांडू गैले पर भी 29 दिन से आंदोलन जारी रखले बटे लोग। जिला प्रहरी कार्यालय पारसा प्रतिबंधित लागू औषध सहित 3 जने के पकड़ाव के लिए बैठे। विशेष सूचना के आधार में बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 हनुमान चौक में चेक जांच के लिए पर प्रहरी लागू औषध प्राप्त के लिए बैठे। बापर 03001/1998 नंबर के मालवाहक ट्रक के रोक के तलाशी के लिए पर प्रतिबंधित लागू औषध मिलल। पारसा के प्रवक्ता परिणय उपरीक्षक दीपक भारती जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार चालक रहे वाला सीट पछाड़ी के सीट के नीचे 2 गो यूरिया के बोरा भीतर लुका के रखल 100 मिलीलीटर के 222 बोतल
ऑनडेक्स मिलल बाटे। लागू औसत सहित मकवानपुर के छोड़ा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 निवासी 32 वर्षीय अजय रोका, वे जगह के 30 वर्षीय दीपेंद्र अधिकारी आ बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 2 निवासी 19 वर्षीय विकास सर्राफ के पकड़ाव कर गए भारतीय जानकारी दिलवानी। होंडी कारोबार के आरोप में पकड़ाव पड़ल भारतीय नागरिक 31 वर्षीय गजेंद्र राय गौर भंसार कार्यालय से पेशाब करे के बहाना करके फरार भेल बैठे। वहाँ के सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बॉर्डर आउटपोस्ट सरमुजो से बौद्धी महानगर पालिका 7 बंकुल स्थित भंसार गेट से मोटरसाइकिल सहित पकड़ाव कैले रहे। राय के आवश्यक कानूनी कार्रवाई के खातिर काल गौर स्थित भंसार कार्यालय में पहुँचाओल गए रहे। सशस्त्र प्रहरी के स्रोत के अनुसार राय पेशाब करे के बहाना बना के टॉयलेट भीतर पहुँचल आ ओकर बाद भागल बतैल बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल उनका के नियंत्रण में राखे आवश्यक कदम चला रहा बताओल गई बा। सशस्त्र प्रहरी स्रोत कहले बाटे राय पेशाब करके बहाना बना के टॉयलेट के भीतर गेल लेकिन वह क्रम में भागल। इस घटना से सशस्त्र प्रहरी के सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था में कमजोरी देखल गई बा। हाल फरार गजेंद्र राय के खोजी कार्य तीव्र बनाओल गई बाटे। तब जल्दी पकड़ाओ के खातिर सशस्त्र प्रहरी बल हर संभव प्रयास कर रहा बाटे। बारह में रहल भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय के प्रमुख मालपोत अधिकृत राजेश गिरी सरुआ भइले 11 दिन तक भी कार्यालय न छोड़े के समाचार प्राप्त होल बैठे। भूमि व्यवस्था सहकारिता तथा गरीबी निवारण मंत्रालय से गिरी के सरुआ कले पर भी वहां के कार्यालय छोड़ले नहीं। गत जेठ 28 गते गिरी के घाट उदयपुर में प्रमुख मालपोत अधिकृत के रूप में सरुआ कल गया है। सरुआ के पत्र प्राप्त भले पर भी गिरी कार्यालय न छोड़ने में उदयपुर से ज्यादा 12 में ज्यादा बढ़िया कमाई खोल कह के वहाँ नागरिक सेवक रही सब आरोप लगे बैठे। कार्यालय के कर्मचारी से नाम उल्लेख न करके शर्त में बतावल अनुसार गिरी सरुआ के पत्र बुझ चुकला बाद भी विभाग के प्रलोभन में पार के 12 में ही रहल आरोप लागल बैठे। एक स्रोत के अनुसार जमीन किन बेच रोका दृष्टिबंधन डाका लगायत के काम सब कार्यालय में दैनिक 30 से 40 हज़ार रुपया से ज़्यादा तक कमाई होकर बताल गए बैठे। संपर्क कले पर गिरी सरुआ भलमिति से 21 दिन तक बरबुजारत करे के 7 दिन के तैयारी म्याद आ 2 दिन के रास्ता म्याद होखेला कह के निजामती एन में व्यवस्था रहल कारण तुरंत छोड़े के ना मिली बतैनी। वहाँ के आर्थिक के वर्ष में विभिन्न पार्टी से काम कैल भुगतानी करे के भैला से भी कार्यालय न छोड़ल स्पष्ट कैल बानी। हाथी के दांत सहित प्रहरी 3 जने के नियंत्रण में लेल बाटे। उक्त दांत बिक्री वितरण कर रहल अवस्था में आज सवेरे उ लोग के दांत सहित नियंत्रण में लिहल गेल बाटे। विशेष सूचना के आधार में बीरगंज के सुखदेव शर्मा, ठुरी के कृषाण लमा सहित 3 जने के नियंत्रण में लिहल परसा प्रहरी प्रवक्ता SP कुमोद ढुंगेल बतानी। उनका अनुसार नियंत्रण में लिहल उ लोग के आज साझिया पत्रकार सम्मेलन करके सार्वजनिक कल जाए। प्रहरी उ लोग के साथ से 2 गो दांत बरामद कैले बैठे। नियंत्रण में लिहल उ लोग के जिला प्रहरी कार्यालय परिसर में रख के थपन अनुसंधान हो रहा प्रहरी जानकारी दिले बैठे। ई वर्ष के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE के नतीजा दूसर का हफ्ता भीतर सार्वजनिक होकर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनैल बैठे। बोर्ड के अनुसार अभी नतीजा प्रकाशन से पहले के तैयारी हो रहा आ दूसर का हफ्ता भीतर सार्वजनिक करे वाला कर के काम हो रहा बाटे। ई बेरी परीक्षार्थी के प्राप्तांक के 8 गो ग्रेड में विभाजन करके नतीजा प्रकाशन करे के तैयारी बाटे। ई बेरी के SEE में विद्यार्थी हरेक विषय में सैद्धांतिक तरफ न्यूनतम 35% आंतरिक मूल्यांकन तरफ 40% लिया के पड़ी। 2 विषय तक नॉन ग्रेड NG लियावे वाला के ग्रेड वृद्धि के मौका दिल जाए। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र कलैया के आयोजना में आज शांति तथा सद्भाव के खातिर राजयोग ध्यान योगाभ्यास कराओल गए बटे। कलैया के स्थित नवनिर्मित आश्रम प्रांगण के उक्त कार्यक्रम संपन्न कल गए बटे। स्वास्थ्य तथा कल्याण के खातिर योग के प्राचीन अभ्यास प्रवर्धन करे के उद्देश्य से योग प्रदर्शन आयोजना कल गए। ब्रह्म कुमारी सुषमा दीदी बतैलबानी उक्त अवसर में विभिन्न आसन प्राणायाम आ ध्यान विधि प्रस्तुत कल गए। उक्त प्रदर्शन में प्रशिक्षक सब योग सत्र के श्रृंखला के बारे में जानकारी कराइले रहे। पतंजलि योग समिति 12 के अध्यक्ष सुरेश शाह के प्रमुख अतिथ्यता में भइल कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस 12 के जिला सदस्य युवा नेता प्रियंका दास, जिला आयुर्वेद अस्पताल कलिया के प्रमुख पुनीता केसरी, ज्येष्ठ नागरिक समाज के अध्यक्ष भरत बहादुर बल्ला, पूर्व प्रधानाध्यापक देवेंद्र गिरी, ब्रह्म कुमारी सुनीता दीदी, गंगा दीदी, समाजसेवी निरंजन अग्रवाल आदि की उपस्थिति रहल रहे। 12 के एक जने कंप्यूटर सोर्स कोड चोरी कैल आरोप में काठमांडू में पकड़ाव पड़ल बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में 12 के महागढ़ी महानगर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 घर भइल। काठमांडू महानगर पालिका 11 त्रिपेश्वर स्थित पावर ब्रेन नामक कंपनी में कार्यरत 31 वर्षीय उमेश कुमार गुप्ता रहल प्रहरी जनैल बाटे। प्रहरी के अनुसार उनका के साइबर ब्यूरो के टोली EM मंगर के काठमांडू से पकड़ाव कैल बाटे। उनका के NEO HRIS नाम के सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड चोरी कैल आरोप में पकड़ाव कैल गेल बाटे। बौद्धिक संपत्ति में आघात पहुँचावे के मनसाय से कंप्यूटर में सोर्स कोड चोरी कैल गेल निवेदन पड़ला बाद उनका के पकड़ाव कैल गेल।
आ घटना के संबंध में थप अनुसंधान हो रहा बाटे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी, रेडियो बादल 89.1 सिमरौनगढ़ 12 आ रेडियो धड़कन एफ 91.8 मेगाहर्ट्ज गोड़ैता सरलाही द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ आ गोड़ैता लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी न्यूनतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सवेरे 34 दुपहरिया 37 डिग्री सेल्सियस रहल रहे, आज रात में 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहकर मान कैल गेल बा। ऐसे आज सवेरे 5:12 पर बेर उगल रहे, सझिया 7:03 पर बेर डूबल बाटे। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89.1 मेगाहर्ट्ज इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com सही सरलाई जिला के गोड़ैता में रहल धड़कन एफएम 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.dhadkanfm.com हमरो पत्रो साथ नेपाली पात्रो में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी, नमस्कार।